वेलकम टू योर चैनल पजल डिकोडेड। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइनल रो सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। अब 10 लोग हैं और 5 लोग जो हैं वो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, और एक रो में जो है वो 5 लोग बैठे हुए, सेकंड रो में भी 5 लोग बैठे हैं। 5 लोग जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं और 5 लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ है। चलिए, हमारा इसमें एक क्वेश्चन में एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई है जो वो मतलब दिया हुआ है कि साउथ फेसिंग है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें साउथ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं बताया जाता है, सीधा दे दिया जाता है कि 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी, और कुछ लोग जो है वो साउथ फेसिंग है, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फिक्स किया हुआ है कि ए बी सी डी ई जो है वो साउथ फेसिंग है और पी क्यू आर एस टी है जो वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। और सब सिटिंग अरेंजमेंट जो है इन लोगों का वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मेंबर को। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लोग जो है हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बना देंगे, इससे क्या होता है मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ बैठेगा, और मतलब लाइन पिक करने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने गलती कर दी है। इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करें, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है कि पॉसिबिलिटी बनाने के चांसेस कम होते हैं। आप हो सकता है कि एक लाइन पढ़ के आप 4 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करें, और अगर पूरे लाइन को जब आप पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपका एक पॉसिबिलिटी में ही क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एस इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है पी के, ठीक है। ए फेसेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ए जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एस को फेस कर रहा है, मतलब ए अगर यहाँ है तो एस या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। दूसरे शब्द में हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एस अगर यहाँ है बैठा हुआ तो ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इस लाइन को आगे चलते हैं। सी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सी जो है वो सेकेंड राइट में बैठा हुआ ए के, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, एक लोग बैठे हुए बी और डी के बीच में। Q एंड T आर इमीडिएट नेबर्स, Q और T जो होंगे वो इमीडिएट नेबर्स होंगे, और T डजंट फेस A एंड B, T जो है वो A को भी फेस नहीं करेगा और B को ही फेस नहीं करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग टाइम के प्रेशर में आके डजंट फेस, कौन फेस करेगा, ये सब चीज़ ध्यान नहीं देते। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग इसी सब वर्ड्स के कारण होता है। तो सबसे पहले लाइन कौन सा पिक करेंगे हम लोग, लाइन फर्स्ट वाली लाइन को पिक करेंगे, एस इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्योंकि बाकी लाइन को अगर पिक करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस ज़्यादा है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा और आप समझ जाएंगे कि इस लाइन को पिक करने में फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट्स को कवर कर रहा है एस और पी मिल के, ठीक है। 4 सीट ऑलरेडी कवर हो रहा है, थर्ड लेफ्ट मतलब 3 और 1 4, एक सीट बचता है, उसके कारण पॉसिबिलिटी हमारी बहुत कम हो जाती है। तो इस लाइन को पिक करेंगे, पी यहाँ बैठेगा, थर्ड लेफ्ट में एस बैठेगा नॉर्थ फेसिंग। 4 लोग बैठ चुके हैं, फिर सामने 4 लोग और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ए जो है इमीडिएट नेबर एस के को फेस करेगा। इमीडिएट नेबर एस का मतलब या तो यहाँ पे ए बैठेगा या तो इस साइड बैठ सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ बैठेगा। आगे चलते हैं। सी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में सी बैठेगा। ए जो है वो साउथ फेसिंग है, ठीक है, और सेकेंड राइट में सी बैठेगा, यानी कि सी यहाँ बैठेगा। अगर ये ए यहाँ बैठता तो ए यहाँ बैठेगा तो सी इस साइड नहीं बैठ पाएगा, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ बैठे और सी यहाँ बैठे, ठीक है। एक यहाँ ड्रॉ कर देंगे। 5 लोग टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना है हमें, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक लोग बैठेंगे, तो बी और डी, बी या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। डी या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है, कहाँ बैठेगा नहीं पता, आगे पढ़ने पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्यू और टी जो है वो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्यू यहाँ बैठे या तो टी यहाँ बैठे, या तो Q यहाँ बैठे या तो T यहाँ बैठे,
क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। टी डजंट फेस ए एंड बी। टी जो है वो ए को भी फेस नहीं करेगा और बी को भी फेस नहीं करेगा। ए अगर यहाँ है तो टी कभी यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। टी जब भी बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, और टी यहाँ बैठेगा तो बी कभी यहाँ नहीं बैठेगा। बी यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा? डी बैठेगा, ठीक है, और बी यहाँ बैठ जाएगा और क्यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एक अल्फाबेट बचा वो ई यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बचा वो आर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक्स टू विजिट आवर चैनल।